आज हम ये रहा मेरा बात करने वाले हैं गुजरात वर्सेस मुंबई के बीच होने वाला मैच। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए प्रेडिक्शन में, जो कि आज हम बात करने वाले हैं इस मैच के बारे में, जहां हम हेड टू हेड बात करेंगे और इस मैच के स्टेडियम के बारे में बात करेंगे, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन टीम ग्रेड करेंगे हमेशा की तरह, जो कि आप जाकर देख सकते हैं मेरे पहले का प्रेडिक्शन। तो वैसे ही आज हम भी फिर से प्रेडिक्शन करने वाले, तो दोस्तों बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि आज का जो टीम है, यह दोनों के विरुद्ध मैच होने पर हेड टू हेड बात करें तो यहाँ मुंबई ज़्यादा भारी पड़ा है पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मुंबई में अच्छी टीम है, मुंबई के लिए अभी मजबूत है, बट आज इस साल का कोई भरोसा नहीं है। इस साल गुजरात भी बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, तो आप दोनों की इक्वल मान सकते हैं। और मैं बता दूं कि यह मैच होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां कि आपको बहुत ही अच्छी पिच मिलने वाली है, बैटिंग पिच रहेगी, यहां का मैक्सिमम स्कोर रहने वाला है 170 से 180। तो आपको पता चल सकता है कि यहां आपको बैट्समैन की तरफ ज़्यादा जाना है और यहां स्पिनर और पेसर्स को देखा जाए तो यहाँ दोनों इक्वल है और दोनों को अच्छा विकेट मिलता है, तो आप दोनों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं आज। और आज का कोई नहीं है कि आज पेसर ही विकेट मिलेगा, स्पिनर को नहीं मिलेगा, आज दोनों को मिल सकता है विकेट, क्योंकि यह पिच बहुत ही बढ़िया है और अच्छा स्कोर वाली पिच है। तो आप ज़रूर अपने अच्छा एक टीम प्लेयर चूज़ करें और मैं बताऊँगा किस प्रकार का सेलेक्ट करना है प्लेयर्स और कौन कौन से कितने प्लेयर्स लेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं अभी यूज कर रहा हूँ माई ड्रीम इलेवन, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ। और माई एलेवन सर्कल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बात करते हैं आप एक बढ़िया टीम के क्रिएट करने की तरफ, तो मैं अपना टीम बना रहा हूँ, आप देखिए। और इसी प्रकार आप भी अपना फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम यहाँ ईशान किशन, जो कि बहुत ही बढ़िया बैटिंग आजकल कर रहे हैं, तो ईशान किशन हमारे फर्स्ट हो गए। और हम सेकंड में शुभम गिल को लेंगे, शुभम गिल आजकल खेल रहे हैं, रोहित शर्मा रहेंगे हमारे टीम में, डेविड मिलर भी रहेंगे, डेविड मिलर हमेशा आराम से खेलते हैं, बट डेविड मिलर की जगह मैं सूर्य कुमार यादव को लेंगे, क्योंकि यह बहुत ही अच्छे फॉर्म में अभी आए हैं, तो आप इनको लेना ना भूलें। और आप चाहते हो तो टी वर्मा को भी ले सकते हैं, टी वर्मा भी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, उनको ले सकते हैं। हम हार्दिक पांड्या को लेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या मुंबई के पहले खेल चुके हैं, तो मुंबई के खिलाफ इनको पता है कैसे क्या करना है, तो हार्दिक पांड्या को लेना जरूरी है। ये सी ग्रीन इसके पहले मैच में मैंने बताया था कि ये बहुत ही बढ़िया खेलने वाला, और इनको मैं कैप्टन भी बनाया था, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया था प्रदर्शन, आप ज़्यादा देख सकते हैं। पहले वाला मैच मुंबई का था जो मैं इनके बारे में बताया था, बहुत ही बढ़िया प्लेइंग किए थे। और यहाँ हमारे हुआ एक स्पिनर राशिद खान, मोहम्मद शमी रहेंगे, और मोहम्मद शमी का ऑर्डर छोड़कर आप जोफ्रा आचार्य को ले सकते हैं, जोफ्रा आचार्य अभी अच्छा तो बॉलिंग कराया नहीं है, बट करा सकते हैं आगे मैच में, तो जोफ्रा आचार्य को लीजिए। यहाँ पीयूष चावला को ले सकते हैं, हो गया। और यहाँ हम लेंगे जेस बैंड्रॉफ, ये हमारा हो गया चार बॉलर, बट आप एक को यहाँ छोड़ सकते हैं, मोहम्मद शमी को मैं छोड़ दूंगा। और यहाँ मैं आऊँगा और मैं यहाँ ले लूँगा, यहाँ हमारे रहेंगे टी वर्मा, और यहाँ हम एक और बढ़ाएंगे ऑलराउंडर, जो कि हमारे तीन ऑलराउंडर होंगे। यहाँ हमारे डी सनाका आज के मैच में खेलते हैं, तो हम ये हमारे टीम में रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपना फाइनल टीम आपको दूंगा टॉस के बाद, तो आप जरूर मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका, और हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए आप हमारे हमको। और यहाँ हम मेरे वाइस कैप्टन है ईशान किशन, जो कि मुझे लग रहा है आज अच्छा खेलेंगे, और मैं आपको बताऊँगा टॉप फाइव प्लेयर आज का, तो ये बने रहें। यहाँ मैंने ज़्यादा बैट्समैन ले रखा है मुंबई के ही, और ऑलराउंडर मेरे दो हैं गुजरात के, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ शुभम गिल रहेंगे वाइस कैप्टन, सर कैप्टन। मैं यहाँ कुछ चेंजिंग करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा मुंबई ले रखा हूँ, तो मुंबई ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ चेंज करेंगे। और ये टी शर्मा को हटाकर यहाँ टी शर्मा को कोई बढ़िया प्लेयर आजकल दिख ही नहीं रहा यहाँ, तो हम टी शर्मा को अभी रहने देते हैं। अब शाम को मैं कुछ अपडेट करूँगा एनालिसिस करके, तो उसके बाद मैं आप देखिएगा मेरा फाइनल टीम। तो ये रहा मेरा आज का प्लेइंग इलेवन, और ये मैं टॉप फाइव प्लेयर में बता देता हूँ आपको। सूर्य कुमार यादव जो कि अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं, ईशान किशन खेलेंगे आज बढ़िया,
शुभम गिल भी खेल सकते हैं, और अगर डी सनाका खेले तो डी सनाका बहुत ही बेहतरीन खेलने वाले हैं। आज बॉलर में मेरे जेस बैंड्रॉफ 2 विकेट रखा है इनका, तो मेरे टॉप 5 प्लेयर हो गए। और तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।